बूढ़ा सा मोमिन था, तेरा मैं देख रहा था शायद करबला जा रहा है, मैं बीमार था, पैसा भी नहीं था। रोकर मौला से शिकवा किया, मौला दुनिया आपकी ज्यारत के लिए आ रही है, मैं गरीब हूं नहीं आ सकता, मेरे घुटनों में ताकत नहीं है, कोई मेरे साथ है भी नहीं, ना कोई बच्चा ना कोई रिश्तेदार, मुझे संभालेगा कौन मौला। तो उसने इमाम से शिकायत की, मौला कि आपकी ज्यारत सिर्फ पैसे वालों के लिए है, आपकी ज्यारत सिर्फ उनके लिए है जो जिस्म सही सालिम रखते हैं, हमारा क्या होगा मौला, कल मर जाऊंगा मेरे नामे अमाल में एक भी ज्यारत नहीं होगी। कहता ये कहकर नींद आ गई, खाब के आलम में अब अब्दुल्लाह हुसैन हो गए। इमाम ने फरमाया, आए बूढ़े किसने कहा कि तू मेरी ज्यारत से महरूम है, अगर ताकत और तवानाई है तो जरूर आना, लेकिन अगर तू नहीं आ सकता, हम करीम हैं, हम किसी को महरूम नहीं करते, हमारे दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। मौला कहीं मर ना जाऊं, आपकी ज्यारत का सवाब कैसे लूं? फरमा ज्यादा मुश्किल नहीं है, जब भी दिल करे हुसैन की ज्यारत का सवाब लेने को, मुझे हुसैन को एक सलाम दिया, एक सलाम, एक सलाम। मलाइक तेरे नामे अमाल में लिखे कि इसने हुसैन की ज्यारत की। मौला एक सलाम करने से ज्यारत का सवाब। इमाम ने कहा एक शर्त है। मौला कौन सी शर्त है? जब मुझे हुसैन को सलाम करो ना, अगर न चाहते जो तेरी आंखों से आंसू निकल आए। एक मरतबा हम चाह कर रोते हैं, एक मरतबा चाहते नहीं, खुद ब खुद आंसू निकलते हैं, पर जब ऐसे आंसू निकले तो समझ जाना ये तेरे आंसू नहीं है, हुसैन ने तेरे सलाम का जवाब दिया।